सरकारी टीचर कैसे बने, तो चलिए बताते हैं दोस्तों। 12th के बाद आप सरकारी टीचर कैसे बन सकते हैं। 12वीं पास करके सरकारी टीचर बनने के लिए अगर आप एक प्राइमरी टीचर बनना हो या कॉलेज प्रोफेसर बनना हो, आपको 12वीं क्लास पास करना होगा। अब सवाल आता है कि किस सब्जेक्ट को पसंद करें जिससे सरकारी टीचर बन सकें। तो 12वीं में वही सब्जेक्ट चुनें जिसमें आपको मन लगता हो, और जैसे कि अगर आपको मैथ लेना है तो साइंस ले लें और पूरी मेहनत करके पास हो जाएं, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने मनपसंद सब्जेक्ट पर ध्यान दें। आजकल के समय में स्टूडेंट बहुत तेज होते हैं, ऐसे में टीचर को भी तेज होना पड़ता है पढ़ाई में, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ देगा उसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है। इसलिए अपने सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। इसलिए आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को पसंद करें और पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि अपने स्टूडेंट को अच्छे ज्ञान दे सके। इसलिए हमें हमेशा सही सब्जेक्ट को पसंद करें एक सरकारी टीचर बनने के लिए, ठीक। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करें। अगर आप एक सरकारी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं करने के लिए बाद ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आपका सरकारी टीचर बनने का रास्ता खुलेगा। और ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट को चुनें जिस सब्जेक्ट में आप एक इंटरेस्ट रखते हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा आगे की पढ़ाई करने में। इसलिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का सही चुनाव करें सरकारी गवर्नमेंट टीचर्स बनने के लिए। नेक्स्ट, बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करें। जैसे आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर देना चाहिए एक सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क प्लस मार्क्स रहना चाहिए। बीएड एक टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होता है, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आप किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक टीचर बन सकते हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये कोर्स पहले 1 साल का होता था, लेकिन अब इसे 2 साल का कोर्स बना दिया है। पहले ये 1 साल का होता था दोस्तों, जो कोर्स है 1 साल का, अब इसे 2 साल का कर दिया है। ये यहाँ समझने वाली चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, सीटेट या टेट एग्ज़ाम। जैसे ही आप बीएड कोर्स की पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जिससे हम टेट यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या फिर आप चाहें तो सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है मार्क के अनुसार यानी परसेंटेज के अनुसार। जितना ज़्यादा आपका परसेंटेज रखेगा, उतना ही टॉप लेवल का सरकारी टीचर गवर्नमेंट टीचर बनोगे, और आप इस तरह से एक गवर्नमेंट टीचर का जॉब ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट, सीटेट या टेट योग्यता। इस एग्जाम को देने के लिए आपको 12वीं और ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत जरूरी है, और अच्छे मार्क के साथ इसके बाद आपके पास बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। नेक्स्ट, सीटेट या टेट एग्जाम को 2 भागों में रखा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपको 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो पेपर 1 का तैयारी कीजिए, अगर स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो पेपर 2 का तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं 1 से 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाना, तब आपको दोनों पेपर